प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में पूरी दुनिया के उद्योग जगत से 400 से अधिक शीर्ष प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी चौथी औद्योगिक क्रांति मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर सत्र को संबोधित करेंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री सीईओ के साथ में बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक नेताओं के नए शीत युद्ध की शुरुआत होने के खिलाफ चेताया है। उन्होंने इसी के साथ कोविड-19 महामारी के खिलाफ वैश्विक एकता का आग्रह भी किया। तो वहीं इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीसी की रैली को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मार्च पास्ट का निरीक्षण करेंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल होंगे। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीत किरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहां पर रहेंगे, क्या वो कार्यक्रम रहेंगे? दावोस एजेंडा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा एनसीसी रैली को भी वो उसमें कार्यक्रम में जुड़ेंगे। प्रीत जी, बिल्कुल, दो अलग अलग कार्यक्रम है। एक तो एनसीसी को संबोधित करेंगे, देश के तमाम युवा जो एनसीसी जुड़े हुए हैं उनका मनोबल बढ़ाएंगे। इस तरीके से एनसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, एनसीसी के जो छात्र हैं, कैडेट्स हैं, उन्होंने 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लिया। इतनी कठिन परिस्थितियों में देश भर के तमाम जो एनसीसी कैडेट्स थे उन्होंने 26 जनवरी की परेड में आकर के जिस तरीके से मार्च किया वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद सराहनीय था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी हर साल की तरह जिस तरीके से एनसीसी कैडेट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए दिल्ली कैंट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, वो भी मौजूद रहेंगे। वही जो दूसरा कार्यक्रम है दावोस संवाद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया भर में जिस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर कहीं ना कहीं कोविड-19 की वजह से जो रफ्तार धीमी हो गई है उसको किस तरीके से रफ्तार पकड़ा जाए, चौथी औद्योगिक क्रांति मानवता की भलाई के लिए किस तरीके से काम की जाए कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में, जिसका शी जिनपिंग पहले ही राष्ट्रपति जो है चीन के वो जिक्र कर चुके हैं, उसको किस तरीके से औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पे प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संवाद में बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जो उद्योग जगत के करीबन 400 से अधिक जो शीर्ष प्रतिनिधि है वो भाग लेंगे, उनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो कार्यक्रम आज, तीनों सेनाओं के प्रमुख एनसीसी को जब वो संबोधित करेंगे तब उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा दावोस एजेंडा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं और पीएम इस दौरान करेंगे सीईओ के साथ में मंचन। पूरे विश्व भर के जो सीईओज हैं वो उसमें जुड़ेंगे और नीतियों के बारे में मंथन यहां पर होगा।